मैं ये बात बोलता हूं कि हमारे आजकल के मुसलमान मोहम्मद से बहुत मैं हाई मोरालिटीज के ऊपर हैं। भी अगर मानता वो हूँ ये बात, मोहम्मद वाली मोरालिटी, गलत नहीं बात है, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं है। आप नहीं, मैं मानता हूँ सर, आप नहीं मानते, मैं मानता हूँ, मैं मैं ये भी मानता मानता हूँ हूँ। पर्सनली, आप नहीं मानते मुझे पता है, मैं मानता हूँ पर्सनली कि हमारे आजकल के मुसलमान भाई और बहन मोहम्मद की निस्बत बहुत ज्यादा हाई मोरालिटीज के ऊपर हैं। अगर वो नहीं मोहम्मद ऐसा की गलत मोरालिटीज पे फरक होते बात तो इस वक्त आप मुझे गालियां दे रहे होते जिस तरह मोहम्मद ने गालियां दी थी। मैं आपको दिखा भी सकता अबू हूँ, बकर कोई ने भी मसला दिया, नहीं है। अबू आपको बकर पता ने है भी कि दिया था, जी अबू वो बकर भी ने भी इतने दिया होता कसीर था से ना दिखाएंगे गाले को अल्लाह ना, मुझे की। मालूम है, नहीं, सर मैं हदीस दिखाऊंगा, सही बुखारी, ओ सट्टा ठीक है रोजे, ये ले ले, सुने सुने, आपने कहा ना ये, मैं सही बुखारी से दिखा देता हूँ कि अबू बकर ने गाली निकाली, जाओ अल्लाह की चूत को चूसो, ये अभी ले देखो नबी का नाम आया शिफ्ट करके अबू बकर पे। एक। मैं अभी अरे मैं अबू नबी के ऊपर भी लेके आता हूँ, बकर सर सर नबी का भी लेके आता हूँ, एक अबू सेकंड बकर एक दलदान सेकंड, बोला सर सब जी ये बुखारी ले से लाइएगा फिर है सर जब। दिखाएं, बुखारी से ये ले एडम भाई नबी ने थोड़ा गालियां दी, लफ्जों सर लिखा पे, हुआ है, सर हाँ मैं हुआ नहीं बोल लिखा, रहा, सर लिखा हुआ है, जो लिखा चले हुआ वो ही बोल रहा हूँ, सर स्क्रीन दिखाएं ठीक ताकि है मेरी ठीक बात है पूरी ठीक है। हो। आप अगली बार जब भी जब ये देखे मौजू हो ये देखे, अबू बकर का, सर अरे ये आ रहा हूँ देखे से आ क्या रहा हूँ, लिखा हुआ है, अरे सर सुन रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ अरे दें, हाँ ये ठीक है सही सुन रहा बुखारी हूँ। की हदीस है, पढ़ दें, अभी अभी सर मैं स्क्रीन कोई पे आया गलत नहीं बात है नहीं करूंगा, अभी, हम अरे हाँ सिंस लोड कर रहे बदर हैं, पढ़ने अल्लाह। तो दे यार आदम भाई, आदम भाई यार बड़े जज्बाती हैं। ना नहीं ना नहीं सर जज्बात लाजवाब की वाला आपको बात नहीं बता है रहा हूँ भाई, थोड़ा सा। एक मिनट एडम एक मिनट रुको, अपने सलमान भाई बात जज्बात की नहीं है। देखिए अबू बकर जी भाई वो शख्स है जिसके बारे में मोहम्मद साहब ने कहा है कि दुनिया में तमाम अंबिया के बाद जो सबसे बेहतरीन इंसान है अंबिया के बाद वो अबू बकर है, और अबू बकर अगर ऐसी हरकत करे तो क्या कहा जाएगा उनके बारे में, क्या कहा है वो देख नहीं लीजिए आप इसका इसका आप इंजीनियर अली मिर्जा को सुनते हैं तो उनसे पूछा गया था ये सवाल कि भाई। तुम, उन्होंने बोला कि आप लात दो ना उज्जा और जवाब, मनात की शरमगाहों को जाके चाटू, ये बोला ना कल इसमें, उज्जा और मनात हाँ की शरमगाहों शर्मगाह को सर, जाके चाटू। शर्मगाह तो नहीं सर, बात ये क्लिटरस सर सुन वर्ड आया हुआ है क्लिटरस का, चूत का, सॉरी एक्सक्यूज माय सुन फ्रेंच, मगर यही लिखा हुआ है। इंग्लिश में हम क्लिटरस बोल देते हैं तो किसी बहुत को परेशानी नहीं होती, लेकिन हम इनका उर्दू में चूत बोलते हैं तो इनका सब लोगों को हॉर्मोन परेशानी हो लेवल बढ़ रहे जाती हैं, है। जज्बाती हो रहे हैं। नहीं, सर सर नहीं, मैं नहीं हकीकत कोई बयान कर बात रहा हूँ, नहीं हम भाई, ये इंग्लिश मैं में, मैडम हम सर सुन ले, हम इंग्लिश में मैडम क्लिटरस एक बोले मिनट, ना तो हर कोई चुप करके सुन लेगा, शायद भाई क्यों, क्योंकि थोड़ा सा नहीं नहीं ज्यादा सर 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 एक सेकंड सर, मैं देखिए समझ गया, ये मैंने बोला ज्यादती कर रहे हैं आप मेरे साथ, शर्मगा ज्यादती कर रहे हैं एडम, सर, देखिए ज्यादती कर रहे हैं, वर्ड शर्मगा नहीं है, शर्मगा चले लिखा हुआ है यहाँ भाई पे उसको प्यारे तरीके से दिखाने के लिए, मगर माजरत शर्मगा भाई नहीं है ना सर, क्लिटरस है। जाती। मैं आपको सर गूगल ट्रांसलेट हाँ में दिखा देता हूँ, प्रॉब्लम यही है कि हम लोग उसको बड़े साफ अच्छा तरीके भाई से आपकी दिखाने की बात कोशिश मान ली है, करते ठीक है हैं। ना, मैं तुम्हारा ठीक है भाई, मान अच्छा लिया कि ये देख देख लीजिए मैं ना बोल रहा हूँ कि वो लोग वो जो उनकी वो सर, उनकी जो देखिए सर प्रैक्टिस थी रुके ना, वो ना लात उज्जा मनात की शर्मगाहें चाटते थे, वो चाटते थे सर, वर्शिपिंग में, तो अच्छा उनको सर तो कोई ये फिर मजीद ऐब नहीं मोहम्मद लगाया ने गया ये उन क्यों पे, पूछा, वो करते थे ऐसा। मोहम्मद ने ये क्यों कहा, जाके अपने बाप की पीनस को चक मारो, ये ले, ये मोहम्मद की तरफ से आ गया, प्लीज ये भी पढ़ लें। ये इमाम बुखारी की एक किताब की हदीस है जिसमें ये बताया गया, जो अपने जहली हस्ब नसब पे फख्र करे वो उसके लिए बेहतर है कि शर्मगाहों को लेके मुंह में ले ले वगैरह वगैरह। तो इस पे तो नहीं, या आप इसके, ये तो मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब अपने आपको तखरीज बाप का, के तखरीज का इल्म सर, नहीं है। अपने सर जी अपने बाप के बोल रसूल अल्लाह वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, जो शख्स जाहिलियत के तफक्कुर का एहसास करे इसको अपने बाप की शर्मगाह दांतों से कटवाओ और इशारा किनारा ना इशारे इस्तेमाल करो, ये लिटरल किनारे से मीनिंग, बात ना करो, डायरेक्ट बात इसका करो। डायरेक्ट बात करो हाँ सर, मुझे देखिए पता है, बाप की कोई शर्मगाह, कोई अच्छा नया वंस अगेन मटेरियल, नया मटेरियल सर, मत लो वंस अगेन मेरे यहाँ पे भाई। बात क्या हो रही है, बात हो रही है बाप की, यहाँ पे अल्लाह तआला के बुतों की बात नहीं हो रही, बाप की बात हो रही है, और इशारा किनारा नहीं हो रहा, बाप के पीनस की बात हो रही है। अब मैं यहाँ पे अगर उर्दू में पीनस का लफ्जी तर्जमा कर दूं आप मुझे कहेंगे फिर आपने गलत बात कर दी, भाई भाई अरे मैं बात समझ पीनस गया की ना हो रही है, भाई, अगर अंग्रेजी अरे में, हाँ अंग्रेजी में भाई उजुए पीनस कह दूं तो आप सब खुश हैं, उजुए उर्दू तनासुर में, बोलते हैं उसको। हाँ उर्दू में अगर बोल दूं तो हाँ, आप टेंशन में आ जाते हैं भाई, ऐसे तो ना अरे करेंगे तो आप, ज्यादती मैं नहीं करते ना मेरे टेंशन साथ, में आ रहा, मैं उर्दू के सुन साथ, तो रहा हूँ, उर्दू मैं के साथ आपकी बात लड़ाई को आप कंप्लीट लोगों कर की रहा हूँ यार, दूसरी बार। उर्दू के नहीं साथ नहीं पहले नहीं मेरे कोई मसला साथ नहीं। लड़ाई है, अच्छा, एक मिनट है ना आपने ये सलमान अद्भुल, ये भाई, अद्भुल अद्भुल मुफरत एक की, मिनट जी हाँ साहिल भाई सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने ये बताओ। कहा इंजीनियर मिर्जा अली से कि वो लोग चाटते थे इसके वजह से, कहा आप बोलो कि कोई अगर गाली देता है तो मेरा भी गाली देना सही हो जाएगा। नहीं बात ये कि एक कोई मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कुछ, हमारे कुछ ट्राइबल एरियाज इंडिया में ऐसे हैं, लिटरली आज भी पूजा करते हैं प्राइवेट पूजा की पार्ट्स में, बात तो नहीं आप है, ये, आप उनसे को बोलो जाके चाटो या जाके तो गलत करो, बात इसमें है ना कोई ऐब यार, तो नहीं गलत हुआ ना, बात है, अभी गंदी बोलते कि बात है रूड हो ना गया, गलत, सर रूड हो गंदी गया, बात है ना, रूड हो एग्जैक्टली गया, गंदी रूड हो बात गया, है, रूड हो गया,
अब मैं चोर से जाके अच्छा करूंगा बेटा, चोर चोरी जिक्र तो रहा ही अच्छा है, यार तो ये ये कोई चोर कहाँ रूल से आ होगा, गया बदतमीजी यार, नहीं हुई तो क्या वो करता है? चोर कहाँ से आ गया एडम यार। एक मिनट, आप मिसालें एडम देंगे एक थोड़ी, मिनट, मिसालें तो मैं भी दे दूंगा ना सलमान भाई। भाई, सलमान मैं भाई नहीं एक उठेगा मिनट। जी, बताए अच्छा मुझे मुझे बता वो बता। हवाला दे कि वो मुशरिकी ने मक्का जो है वो जाके चूसते थे, हवाला दे दे चले। चलो ठीक है, ये चूसते थे नहीं, मतलब वो शर्मगाहों की पूजा करते थे जो भी नहीं करते नहीं होंगे, मैं अभी देखो तो नहीं है मेरे पास एक मिनट हवाला। एक मिनट, नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट भाई, एक होता है पूजा करना और एक है कि आप जाके हाँ, बोल जो दोगे कि आप कर रहे हैं ना चूसो। वो उसी का हवाला दे दूंगा, जो शक करते थे या चूसते थे जो भी बोल रहे हैं उसमें, वो हाँ उसी का हवाला ठीक है, इंशाल्लाह। तो तो अभी ये नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपने रैंडमली क्वेश्चन पुट किया मुझे। नहीं तो, अरे भाई अगर इंजीनियर मिर्जा जो है उसकी वीडियो आप सुन के इधर बात कर रहे हो तो उसने कुछ तो हवाला दिया होगा ना, कि हवा फायरिंग किया उसने। नहीं, अब जैसे जिस हदीस की अबू बकर की बात कर रहे हैं, उसका हदीस का हवाला मुझे थोड़ी पता था कि कौन सी में थी, तो मुझे याद आया, उन्होंने याद दिलाई, तो ये कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे स्पेसिफाई कर लेंगे हम, लोकेट कर लेंगे कहाँ है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मालूम वो भी है, मालूम ये तो भी है, स्पेसिफिकली कहाँ है वो नहीं मालूम। चलो अब इन्होंने ठीक याद है, दिलाया तो कि बुखारी आप की है, तो मैंने कहा ठीक है, ओके। अच्छा जो आप हवाला लाएंगे वो सनद के एतबार से सही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ठीक वही मैं आपसे बोल रहा था, जैसे इन्होंने ये हवाला पेश किया, ये अदबुल मुफरद का है, जहां तक मुझे याद ही भी इंजीनियरिंग मिर्जा के हवाले से याद है, मैंने खुद नहीं चेक किया होगा ऑब्वियसली। तो अब ये हवाला, इस पे इंजीनियरिंग मिर्जा का ओपिनियन ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कह सकते, और ये हदीस जो है उन्होंने इस बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर इनकार कर दी। तो नहीं नहीं इंजीनियरिंग ये तो मिर्जा का ये गलत ओपिनियन के तरीका है बारे ना, में आप दोनों का जो ओपिनियन क्या आपको, होगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आपको जो मैं बताता हूँ, जो मैं बताता हूँ चीज, सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर, मैं बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड ऑन। अरे आदम भाई, बड़ा मैं सर, जज्बात है आज। और ना 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 सर, अच्छा सर देखिए जज्बात गए भाड़ में। आपने कहा इंजीनियर अब तो मिर्जा ने गुस्सा ये होगा कहा है, मैं। सर जी किसने अच्छा कहा है, ठीक है, सर जी किसने कहा इंजीनियर है? मिर्जा, ओके इंजीनियर मिर्जा नाउ ने। लेट मी टेल यू के जो आपके इस्लामिक स्कॉलर है, जनरल सुपरवाइजर शेख मोहम्मद साले अल मुजहिद मुनज्जिद मुनज्जिद, ये मुनज्जिद क्या कहते हैं, ये क्या कहे सर, लाहौल वाला कुवता, आप मुफ्ती की बात कर रहे हैं, मैं मुफ्ती लेके आता हूं हाँ आपके पास, ये देखें। बताए अच्छा जी यहां पे हम बात करते हैं, ये यहां पे ये दादल बात मात होती की रिवायत है। ओके ठीक है, दे है, और पल्ले सर जी पड़ेगी मत, छोड़ें उस चीज को, गोली मारें आप उस चीज को, छोड़ें, ये देखें मैं आपको गोली दिखाता मत हूँ मारो यार, सर। वो लोग बुरा मान जाएंगे। और नहीं सर ये हवाई अच्छा गोली है, आप टेंशन नहीं लें इस बात, अच्छा ये हवाई अच्छा गोली है, मेटाफोर मेटाफोरिकल गोली है ये, यानी कि वो नहीं है जिसे, जिस तरह मोहम्मद ने कहा था ना, ये देखें। विद रिगार्ड्स टू द हदीस रिस्पॉन्स द कंसर्निंग द हदीस मेंशन इन द क्वेश्चन, वी विल कोट अ फ्यू वर्जन ऑफ द हदीस। वर्जन ये नंबर वही वन, वाली डू हदीस है जो नॉट आपने यूज अ बताई। मेटाफोर, जी, डू नॉट यूज अ मेटाफोर, लीनियज ऑफ द ट्राइब टेल हिम टू बाइट द फादर्स पीनस, राइट। सो यानी ये वही हदीस है, आपने पढ़ लिया, मैं अभी हदीस, ये एक हदीस यहां से उन्होंने मेंशन की, फिर सेम हदीस उन्होंने एक और जगह से रेफरेंस की, फिर उन्होंने एक और जगह से रेफरेंस की, ठीक है। तो ही सेड In this hadith, it states foul speech is in fire, and what is meant by foul speech in fire is that the people of the foul speech will be in the fire, because the foul speech is not an entity that exists by itself. Rather, what is meant by mentioning it is those who have the characteristics are in fire. Like, come on, man, this is what he is saying. He is not saying Muhammad didn't say that. He is saying के जो बंदा, जो फाउल स्पीच होती है वो जहन्नम की आग में सड़ेगी, लेकिन यहां पे चूंकि मोहम्मद ने कह दिया है, लिहाजा ये डिपेंड स्पीच के बारे में नहीं है, ये उस कर शख्स रहे के हैं। बारे में है, ये उस शख्स के बारे में है जो शख्स अपनी ट्राइबल लीनियज को व्हाटएवर व्हाटएवर करता है, लिहाजा वो शख्स जहन्नम की आग में होगा। वो उसको बात को कोई बात डिफेंड कर नहीं। रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद ने नहीं कहा, वो कह रहा है कि मोहम्मद ने कहा है, बिकॉज हमारे पास हाँ, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही, आप चार या पांच ठीक। डिफरेंट नरेशंस हैं, एक नरेशन नहीं है, वाहिद हदीस नहीं है, ये मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल तरीके से आई हुई है। तो मेरे भाई आपका अकबुल इंजीनियर मुफरत मिर्जा वाली कौन है? हदीस। जी अच्छा सर ठीक है, यही तो, मैं ये बात बाप के बोल रहा हूँ कि पीनस को अगर काटने मैं वाली हदीस, सर बाप के पीनस को काटने वाली हदीस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने मैंने तो इसीलिए ये, पहले मैं हदीसें हाँ, पढ़ा दी। अगर मैं कोई ऐसा रेफरेंस दूं आपको, जैसे फला फला स्कॉलर ने कहा, तो आप जैसे इस तरह से आपने हवाला दिया, अगर आप देंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो इससे तो और बात वाजे होगी, मजबूत बात अभी की रहेगी इस केस में, सर अगर आप मैंने ऐसे दे करते, तो दिया अच्छी आपको, बात है। इसीलिए दे ठीक, दिया, मैंने इसीलिए दे दिया। अब देखिए बाकी, एक तरफ आपका अच्छा अब इंजीनियर बाकी मिर्जा जो मैंने कर रहा अगली है, बार के लिए, अगली बार के लिए इंशाल्लाह बचा के रखा है, इस अदबुल मुफरत की जो हदीस है इसकी सनद पे ओपिनियन मैंने बचा के रखा है, इंशाल्लाह जब बात होगी हम आपको उस पर डिटेलिंग दे देंगे। आप अरे बिल्कुल दे इन्होंने दीजिए, और लेकिन ये हवाला हदीस दिया है ना हमारे, भाई, ये हदीस जी जो क्या हुआ है, साहब भाई, कुछ कह ये रहे वाली थे? हदीस जो है ये इन्होंने हमारा दिया है नेक्स्ट टॉपिक हवाला, नहीं आवाज है, सॉरी नहीं आ प्लीज रही। साहिल भाई, हाँ क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने उस पे और हवाला दिया है ना, इसी देखो सामने किसका? ही और हवाला दिया है। हाँ वो चेक करेंगे, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह, तो एक मौजू हो जाएगा, तो उस पर हम इसी तरह से बात आगे इंशाल्लाह चलेगी, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, डिस्कशन अच्छा होगा। होमवर्क, होमवर्क आपका बहुत बढ़ गया है अभी, ठीक है।
अच्छा कोई ये बात नहीं, नोट करके रख लीजिए। लेकिन अच्छा साहिल हाँ, भाई, लेकिन आप ये बताइए ये वाली हदीस अदबुल हमारे मुफरत। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये तो बातों से ठीक बात निकल आई तो हमने बात कर दी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्लेवरी ही है, हम उसी के ऊपर हाँ, बात करेंगे, ठीक है ना? ब्रूटल थैंक यू। स्लेवरी ऑफ इस्लाम इज ब्रूटल। हाँ इस तरह से हाँ टॉपिक आपने बिल्कुल, इट बताया इज था। ठीक ब्रूटल, इसके ऊपर ही बात करेंगे सर। बहुत मेहरबानी है सर, इंशाल्लाह, ठीक है चलें, जजाकल्लाह ओके खैर, टेक केयर। ठीक है, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आप आए, बड़ी ही जबरदस्त डिस्कशन थी आपके साथ, बहुत सीखने मिला। और आई एम ह्यूमन जी कह रहे हैं, इसलिए जन्नत में आम का फ्रूट नहीं है क्योंकि चूसना तो कुछ और ही है। लाहौला वाला कुवत इल्ला बिल्ला। अरे यार इतना सब पता नहीं कि लेकिन एक चीज है कि इस तरीके की डिस्कशन से काफी सारी चीजें सामने आती है, क्योंकि एडम ये सब चीजें आम मुसलमानों को पता ही नहीं है कि ऐसी सब अनफॉर्चुनेटली चीजें भी है। बेशक अब कुछ लोग आके उसको फिर भी दिफा करने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम लोगों के सामने तो आ रही है कि ऐसी ऐसी चीजें भी लिखी हुई है। बेशक एक बेशक इंसान जो अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन इंसान है, वो अगर इस तरीके से गाली दे कि खुद मुसलमान उसको सुनना पसंद नहीं करते, बल्कि इनके जो ट्रांसलेटर है उन्होंने इस वर्ड्स को, ये जो 3 वर्ड्स है उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया ही नहीं है, क्यों नहीं किया? सर, इवन इंग्लिश में अगर आप देखो ना तो वो लिखता है कि अबू बकर अब्यूज्ड हिम, वो ये हाँ लिखता ही हाँ नहीं है इंग्लिश में, लिखा ही नहीं क्यों? हुआ कि जाके अल्लाह की, एक्सक्यूज माय फ्रेंच, क्लिटरस, लेट मी से इट इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश में आप सब एक्सेप्ट कर लेते, उर्दू बोले तो आप सब मुझे गालियां निकालना शुरू कर देते। सर आप क्लिटरस का उर्दू नहीं, तर्जमा करें सर, जाए एक आपका अच्छा है, गाली दे दो उसके बाद बोलो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज माई फ्रेंच। नहीं सर देखें, गाली नहीं है ना सर, जो लिखा हुआ है वो है। अच्छा मैं क्लिटरस बोल रहा हूँ, आपने टेंशन नहीं ली, मैं जैसे ही उर्दू वाला उसका इक्विवेलेंट लफ्ज बोलू तो आप कहते हैं यार एडम ना बोलो। अब ये देखिए मुझे बताएं, क्लिटरस पे आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंग्लिश में है सर, ऐसे तो ना करें सर, ये तो रेसिज्म हो गया ना उर्दू के खिलाफ। सो प्लीज सब सबर करा सारा खबर सबर कराए सारा सारा कब वट एवर।